सीधी जिले की इकलौती नगर पालिका सीधी में चुनाव संपन्न हो गए हैं। सीधी में कांग्रेस ने इस बार फिर बाजी मारी है। यहां भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की तरफ से काजल वर्मा ने अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया था, वहीं पर भाजपा की तरफ से पूनम सोनी ने नामांकन दाखिल किया था। नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव में कांग्रेस की काजल वर्मा को 14 मत मिले हैं, वहीं पर भाजपा की तरफ से पूनम सोनी को 10 मत मिले हैं। इस तरह से 4 मतों से कांग्रेस ने इस बार फिर से बाजी मारी है। वहीं सीधी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह है एक अलग ही चरम पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह जश्न और हर्ष का माहौल है। हालांकि उपाध्यक्ष पद के लिए अभी तक फैसला नहीं आया है। अध्यक्ष पद है जैसे ही कांग्रेस के पाले में गए या वैसे ही कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों का जवाहर भवन कांग्रेस में जमावड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इन दिनों अपने क्षेत्र में ही हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस चुरहट और सीधी दोनों में कब्जा कर पाई है।